अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एक बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने राहुल वैद्य नाम के बंदी के साथ मारपीट की है। वहीं जेल प्रशासन पर लग रहे आरोपों को जेल अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। जेल अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान बंदी से चार्जर और सिम बरामद हुए थे। इस दौरान बंदी राहुल वैद्य ने सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला कर दिया और बीच बचाव करने पहुंचे जेल अधीक्षक पर भी राहुल ने वार किया। एक बंदी राहुल, उसके पास सर्विलेंस, हमारे पास सर्विलेंस से रिपोर्ट थी कि वो हमेशा मोबाइल वगैरह गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है। जब उसकी तलाशी की गई तो उसके पास से सिम मिला और एक चार्जर रिकवर हुआ। जब गार्ड वाले उसकी सिम और उसका चार्जर को लेके आ रहे थे तो उसने अचानक से गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया, सिम को छीनने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। हमारे उपाधीक्षक श्री राकेश लोचप जब बीच बचाव करने के लिए गए, उसको अलग करने के लिए गए तो उनके ऊपर भी अटैक कर दिया, तो हल्का बल प्रयोग करके उसको अलग किया। किसी ने कोई मारपिटाई इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं की, जेल में किसी की मारपिटाई नहीं की जाती और सबको कानूनी तरीके से हैंडल किया जाता है। राहुल वैद्य की पत्नी का कहना है कि उसका पति पिछले 4-5 महीनों से जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही उसके पति का फोन आया था और उसने बताया कि उसके साथ जेल में मारपीट की जाती है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल प्रशासन राहुल वैद्य से पैसे की मांग करते हैं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। अफसरों के, आप अफसर के खिलाफ जा रहे हो, जबकि वो उनके टाइम पे जेल बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, ठीक है जी। और बढ़िया, अब अपने मुलाजमों के खिलाफ है, उनके उसके खिलाफ भी झूठी एप्लीकेशन लिखवा ली के अपना पुरुषोत्तम जनाब है, सिपाही हैं, बढ़िया जनाब हैं, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन के ये सामान ला के देता है मोबाइल। मुलाजमों के खिलाफ जा रहा है, मतलब मुलाजमों की तरफ, मुलाजमों को भी तंग करा हुआ है, सबको तंग करा हुआ है, खुद साफ सुथरा जैसे राजा हरिश्चंद यही पैदा हुआ है। पैसों की भी डिमांड होती है, ये तो अंदर खाते, इसमें क्या चल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, ये तो यही जाने। पैसे की डिमांड तो होगी ना, जब इतना परेशान कर रहा है तो पैसे कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। हर अफसर इसके लिए करप्ट है, हर मुलाजम करप्ट है जेल का, यही एक ईमानदार अफसर है। बांगड़ साहब के खिलाफ, बांगड़ साहब के साथ 11-12 मैंने टाइम काटा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उनके से, उनके खिलाफ मैं बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि वो सही है, वो बना रोक रहते हैं सिस्टम, मारपीट हो रही, उन्होंने रोका ऐसे कि भाई मारपीट करा नहीं, सैड हो जाओ सारे, अब करम बर्ती। हाँ, किस कारण से मैं आपने भूख हड़ताल की? हाँ जी, हाँ जी, मैंने बंदियों के कैप बंद कर दी, गर्म जैकेटें बंद कर दी, मच्छरदानी नहीं लगाएंगे। अंबाला सेंट्रल जेल में सर्दी हो गर्मी हो, मच्छर रेगुलर है। फॉकिंग के लिए कहता मैं 2 दिन कराऊ, एक घूंटिया उखाड़ ली, रस्से जो तार टांगने वो होते हैं कपड़े, वो नहीं, कह रहा 2 जोड़ी कपड़े रखोगे इस ठंड के अंदर, 1 जोड़ी कंबल और 2 जोड़ी कपड़ों में, 1 कंबल और 2 जोड़ी कपड़ों में बंदा कैसे टाइम काटेगा। पेशियों पे जाते हैं बंदे तो उन्हें चप्पलों में भेजता है जी। मेरे पति पिछले 4-5 महीनों से जेल में है, तो अभी उनकी जमानतें वगैरह कराई नहीं हमने। अभी पिछले महीने मेरे पास फोन आया था कि जी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, सारी जेल वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक संजय बांगड़ जी हैं और एक राकेश लोचप जी हैं, एक जसपाल सिंह जी हैं। क्यों मारपीट कर रहे हैं, वजह क्या? वजह कुछ नहीं है जी, बस ये कहते हैं कि अपनी फैमिली से पैसा पूसे मंगा के दो, हमें खर्चा पानी नहीं हो रहा है, और उल्टे सीधे गाली गलौज भी करते हैं उन लोगों के साथ में। पीछे अभी भूख हड़ताल पर चले गए थे, आज 1:15 बजे मेरे पास STD से फ़ोन आया, तो काफ़ी रो रहे थे मेरे हस्बैंड, वो बोलने लगे, कह रहे आप शायद ये मेरा लास्ट फ़ोन होगा, कह रहे मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं ये लोग और मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ उस टाइम, क्या पता मैं बचूँ ना बचूँ, मुझे नहीं पता, कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो कर लो। हमें अंदर का तो कुछ पता नहीं क्या मामला वहाँ क्या चल रहा है, बाकी हमें तो इतना जो पता चला है दोपहर को, तब हम भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले उसने ऐसी कुछ खरीदी थी, मैंने कहा भाई इसने कोई बत्तेमेजी करी हो, गाली गुलौज हो रही है, मेरे को पता नहीं भाई क्या बात है। हमने सोचा अगर ये हमसे ज़्यादा परेशान करें कुछ करेंगे, मीडिया कह रहा था मीडिया से कार्रवाई करें, इनको परेशान करेंगे तंग करेंगे ये। राहुल को शहर के नागरिक अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि आपसी धक्का मुक्की हुई है और इंटरनल चोटें भी आई हैं। जेल इनमेट्स को लेके आए हैं राहुल वैद्य, तो देयर इज एलिगेशन ऑफ असॉल्ट यस्टरडे एट 12 o'clock, तो जो जेल में लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग बोर्ड के द्वारा मेडिकल बनवाने की बात हुई है, तो हमने बोर्ड के द्वारा मेडिकल बनवा दिया है, मेडिकल हो चुका है और अभी एक्सरे और CT स्कैन वगैरह हो रहे हैं। पेशेंट को हमने एडमिट कर दिया है
और डिफरेंट डॉक्टर अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। कितने डॉक्टर हैं सर बोर्ड में? 3 डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, एक ऑर्थोपेडिशियन है, एक माईसेल्फ डॉक्टर संजय। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जांच के बाद ही असल बात का खुलासा होगा। फिलहाल जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल के अनुसार राहुल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।